हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए HTML का एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज में, उसकी एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको टैग्स के बारे में बता ही दिया है, जिनको हम टेबल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं अपने वेब पेज में। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम टेबल को क्रिएट करने के लिए अपने वेब पेज में टेबल टैग का यूज करते हैं, जो कि एक पेयर टैग है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम अपने वेब पेज में टेबल टैग का यूज करते हैं। और टेबल टैग में हम क्या करते हैं, पेयर बनाने रोज को क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारी TR ओपनिंग टैग और TR क्लोजिंग टैग, एक पेयर जो ये TR टैग का एक पेयर है, TR ओपनिंग टैग और TR क्लोजिंग टैग, ये दोनों टैग मिलकर एक रो को क्रिएट करते हैं। और इसके बीच हम सेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक रो के बीच हम सेल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम TD टैग से हम सेल्स क्रिएट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, TD ओपनिंग टैग और TD क्लोजिंग टैग, ये TD ओपनिंग और TD क्लोजिंग टैग मिलकर एक सेल को क्रिएट करते हैं। एक TR टैग के अंदर हम जितने TD टैग लगाएंगे, उतने हमारे सेल्स क्रिएट होंगे। सपोज अगर हमने दो सेल्स क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, TR टैग के अंदर दो बारी TD टैग को लगाएंगे। जैसे ये हमारा एक पेयर हो गया, तो हमारा एक सेल क्रिएट हो गया, और जब हम यहाँ पे दूसरा पेयर लगाएंगे, तो हमारा सेकेंड सेल भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही हम जितने TR टैग लगाएंगे, उतनी हमारी रोज क्रिएट होगी। सपोज यहाँ पे हमने एक बारी TR टैग लगाया, तो हमारी एक रो क्रिएट होगी, और यहाँ पे जब हम दूसरा TR टैग लगाएंगे, तो हमारी दूसरी रो भी क्रिएट हो जाएगी। सपोज हमने तीन रो क्रिएट करनी है, तो हम तीन बारी TR टैग का यूज करेंगे, तो हमारी तीन रोज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने दो बारी टीडी टैग का यूज किया है, मतलब हमारे दो सेल्स क्रिएट हो जाएंगे हर एक रो के अंदर। यहाँ पे मैंने सेकंड रो में भी दो बारी टीडी टैग का यूज किया है, तो हमारी सेकंड रो में भी दो बारी दो सेल्स क्रिएट हो जाएंगे, और थर्ड रो में भी दो सेल क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको टेबल को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं। आप जितनी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू दोगे, उतनी आपकी जो बॉर्डर है वो थिक दिखाई देगी आपके टेबल की। तो इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने table.html फाइल के नाम से डेस्कटॉप पर ही सेव कर लिया है। जब हम इसको ओपन करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट होगा, जिसमें तीन रो होंगी और हर एक रो में दो दो सेल होंगे। ये देखिए, ये बहुत ही छोटा टेबल क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसमें हमने अभी डेटा कोई भी डेटा नहीं डाला है। तो यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं, हम एक और रो क्रिएट करते हैं, जो हम इसकी टॉप रो होगी, उसके अंदर हम हेडिंग्स को देंगे, टेबल के कॉलम्स की हेडिंग को। तो यहाँ पे एक और रो मैंने क्रिएट कर ली है, इसके अंदर हम TH टैग का यूज करते हैं, जो होता है हमारा टेबल हेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा टेबल हेडिंग होता है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ TD और TH में क्या डिफरेंस है। तो सपोज हमारी पहली जो हेडिंग होगी, वो हमारा होगा कोर्स नेम, और हमारी जो सेकंड हेडिंग होगी वो होगी फी। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कि, तो ये देखिए हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है छोटा सा, जिसकी फर्स्ट रो में हमारे दो सेल हैं। फर्स्ट की हेडिंग है हमारी कोर्स नेम, और सेकंड की हमारी फी है। तो जब हम इन सेल्स में भी डेटा, इन टीडी टैग्स में भी डेटा एंटर करेंगे, तो हमारा वो टेबल में डिस्प्ले होने लगेगा। तो सपोज हमारा फर्स्ट कोर्स का नेम हमारा है सपोज BCA, ठीक है जी। सेकंड का हमारा है MCA,
और थर्ड का हमारा है बी टेक, बी बी टेक। तो इनकी फी अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं, बी सी ए की सपोज है 35,000 पर एनम, 35,000 पर एनम, बी सी ए की है 90,000 और हमारी बी टेक की है सपोज हमारी 95,000। जब हम इसको सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि जो ये हमारा डेटा हमने टी डी टैग में एंटर किया है, ये हमें टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डेटा जो ये है हमारा टेबल में डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपको टी एच और टी डी में डिफरेंस बताता हूँ। जो ये देखिए हमारे कोर्स नेम और जो ये फी हमने लिखी है, ये हमने टी एच टैग के अंदर लिखी है। टी एच टैग के अंदर जो हमने कोर्स नेम और फी लिखी है, ये हमने टी एच टैग के अंदर लिखी है। और जो ये बी सी ए एम सी और बी टेक जो ये हमने लिखा है, ये हमने टी डी टैग के अंदर लिखा है। और जो ये हमने फीस लिखी है, इसकी फी लिखी है, वो भी हमने टी डी टैग के अंदर ही लिखी है। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो कि ये आपको डिफरेंस में बड़ी इजीली दिखाई दे रहा होगा। जो ये हमने टी एच में जो भी लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड है और ये इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर में है। जैसे ये फी है जो, तो ये टेबल के बिल्कुल सेंटर में है और बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड है। लेकिन जो ये बी सी एम सी और बी टेक है, ये बोल्ड नहीं है और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, सेल की लेफ्ट हैंड साइड पे है ये, और ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड नहीं है। जो लेकिन जो हमने टी एच में लिखा है, टेबल हेडिंग टैग में लिखा है, वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड है और वो बाय डिफॉल्ट टेबल हमारे सेल के सेंटर में है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक डिफरेंस टी एच और टी डी में। और ऐसे हम अपने वेब पेज में टेबल को क्रिएट करते हैं। आप जितनी इसकी बॉर्डर की लेंथ आप बड़ी दोगे, जितनी आपकी इसकी आप इसकी रेंज बढ़ाते जाओगे, उतनी आपकी टेबल की जो विड्थ है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी विड्थ, सॉरी विड्थ बोल दिया मैंने, इसकी बॉर्डर है वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको 10 दे देता हूँ तो आप देखोगे कि इसकी जो बॉर्डर है वो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम अपने टेबल की बॉर्डर का साइज भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक टेबल का एग्जांपल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे मैं और टेबल की प्रॉपर्टीज और नए टैग्स के बारे में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।